नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर, स्वागत है आपका ग्लिम्स डॉट इन में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं शहर में बढ़ते अपराध की, बात करते हैं अपराधियों के बढ़ते हौसले की, और बात करते हैं पुलिस नाम की चिड़िया के फुर हो जाने की। पुलिस का आतंक शहर में अब नहीं के बराबर रहा है। जय स्तंभ चौक पर हत्या हुई, जय स्तंभ चौक पर। वो जय स्तंभ बना किस लिए था और अब याद किस लिए किया जा रहा है? हत्या के लिए। ये सब हुआ शाम, कोई ऐसा नहीं है कि देर रात को हुआ हो या जब कोई नहीं रहा हो, सुनसान हो गया, ऐसा नहीं। शाम को 6 बजे भरे बाजार, दो युवकों ने कार का दरवाजा कांच खटखटाया। व्यापारी बाहर निकला और चाकू मारकर फरार हो गया। कोंडागांव से आया था व्यापारी, चश्मे की दुकान पे गया, चश्मे का रेट नहीं पटा, कुछ तकरार हुई या नहीं हुई नहीं मालूम, अलग अलग बातें, अलग अलग चर्चाएं। पुलिस के पास कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। और सबसे हैरानी की बात, शहर के जयस्तंभ चौक हृदय स्थल पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उससे कोई मदद पुलिस को नहीं मिली। सरकारी सीसीटीवी कैमरे तो काम ही नहीं कर रहे, और जो निजी सीसीटीवी कैमरे लगे दुकानों में, उससे दिख क्या रहा है, नहीं दिख रहा है, समझ से परे। ये हाल है हमारे स्मार्ट रायपुर का, स्मार्ट सिटी। ये तो हत्या है अपराधी करते हैं। अगर कोई बड़ा हादसा होता है, कोई बड़ी दुर्घटना होती, बड़ी घटना होती है, या अगर कोई अपराधी वहाँ से फरार होकर निकलता है, तो उसको लोकेट करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर सीसीटीवी फुटेज की मदद लेना चाहे, तो जय स्तंभ चौक ये हाल है। पुलिस ने तो कभी खोल के देखा ही नहीं होगा उसको सीसीटीवी फुटेज, कभी सोचा भी नहीं होगा कि कैमरे चल रहे हैं नहीं चल रहे, किसी फुर्सत भी नहीं। कहां फुर्सत मिलेगी? कुर्सी बचाओ आंदोलन चल रहा है पूरे प्रदेश में, पुलिस का कुर्सी बचाने में लगे। मेरा कुर्सी बचे रहना चाहिए, बाकी किसी का भी नहीं पड़ जाए। कभी इस द्वार, कभी उस द्वार, कभी उस द्वार। शहर तो नेताओं का शहर है, इस नेता के यहाँ नहीं गए तो वो नेता नाराज, उस नेता के यहाँ नहीं गए तो वो नेता नाराज, तो नेताओं को ही खुश कर रहे हैं। तोंद भी पुलिस वालों की ऐसी, गणेश से कम नहीं दिखते हो तो वो उसी उन्हीं पद चिन्हों में चल रहे हैं, शंकर जी की प्रदीक्षिणा कर रहे हैं, उनको पूरा मतलब नहीं अपराध नियंत्रण से। भगवान खुश, कुर्सी खुश, कुर्सी सलामत, सब कुछ सलामत। हत्या जय स्तंभ चौक पर कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। बाकी अपराध जो है, सट्टा जुआ, जो जो आसमान छू रहा है अपराध का ग्राफ, उसके बारे में तो चर्चा करना ही बेकार है। परसों ग्लिब्स ने खरी खरी में सट्टे का विषय, आईपीएल सट्टे का विषय उठाया, खानापूर्ति के लिए 4 लोगों को पकड़ लिया। खत्म। अरे छोटी मछली क्यों मार रहे हो, मगरमच्छ मारो ना। और फिर सट्टे का नियम है, एक केस देते हैं, जो सटोरिया काम करता है उससे पुलिस का फिक्स रहता है कि भाई महीने में एक दो केस वो देता रहेगा। उसमें जब जो सट्टा पट्टी लिखने वाला होता है, जो बुकिंग करने वाला एजेंट होता है, वो बदले में किसी के जेल जाता है, और उस 3-4 दिन 5 दिन जब तक वो जेल रहता है छूटता नहीं, तब तक वो उसके घर का खर्चा सटोरिया उठाता है। तो बुकिंग को पकड़ेगी ना, मालूम नहीं है, सबको सब मालूम। कहां तो रायपुर जो है संस्कारधानी, अच्छे विचारों के लिए, अच्छे संस्कारों के लिए जाना जाता था, तो वहां ड्रग्स, गजब, कोकीन, गांजा तो भगवान की दया से चला आ रहा है सालों से, उड़ीसा के रास्ते से चला, क्विंटलों से पकड़ा रहा है, क्विंटलों से, और रोज पकड़ा रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन 4 क्विंटल 5 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल पकड़ा रहा है गांजा।
लेकिन गांजा आना बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि पूछते ही नहीं गांजा लाते कहां से हो, आए पकड़ा गए चल भैया खाना पूर्ति पूरी। कभी किसी ने कोशिश ही नहीं कि गांजा आता कहां से है, और गांजा वहां से भेजता कौन है, गांजा बेचने वाला कौन है, और गांजा खरीदने वाला कौन है। अब जो कार में 4 क्विंटल 3 क्विंटल, ट्रक में 3 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल 6 क्विंटल 9 क्विंटल गांजा सब्जी में फल में और इसमें लग्जरी कार में छुपा के ला रहा है, वो क्या खुद ही पिएगा क्या उसको? वो कहीं ना कहीं किसी को ना किसी को बेचने जा रहा होगा, क्या पूछ नहीं सकते? किसी न किसी से खरीद के ला रहा होगा, क्या पूछ नहीं सकते? बड़ा मामला, बड़ा खुलासा, ये रैकेट खुलेगा वो रैकेट खुलेगा, जो चिरकुट जिसका तकदीर खराब वो पकड़ाता है वो अंदर जाता है, बाकी आराम हिसाब किताब बराबर। अभी तक वो चिल्लर 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 जो 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 वो ड्रग सप्लाई करते थे वही पकड़ा रहे। ड्रग लाता कौन है, ड्रग आता कहां से है, उससे मतलब ही नहीं। क्योंकि समस्या अगर एक बार में खत्म हो गई, अपराध अगर एक बार में खत्म हो गया, अपराधी खत्म हो गए, तो फिर पुलिस की जरूरत क्या है? तो पुलिस अपना महत्व बनाए रखने के लिए अपराध को जिंदा रखी है ऐसा लगता है, और अपराधियों को भी इसलिए जिंदा रखी कि कहीं वो रहेंगे तो अपराधी जिंदा है तो वो चलते रहेंगे। क्योंकि वो मुंशी प्रेमचंद नमक का दरोगा में लिख गए, नजर चादर और चढ़ावे पे रखो। पूजा पाठ से क्या होगा, सरकारी तनख्वाह से क्या होगा, चादर चढ़ावा जरूरी। तो चढ़ावे के लिए जो है अपराध जो जिंदा है, चढ़ावे के लिए अपराधी जिंदा है। जनता जाए भाड़ में, चोरी हो रही है, ठगी हो रही है, नौकरी के बहाने तो ठगी का तो अब रिकॉर्ड ही टूट गया होगा मेरे ख्याल से, दुनिया में सबसे ज्यादा जो है नौकरी की ठगी जो है नौकरी के बहाने ठगी यही हुई होगी। नकली खाद यही, नकली बीज यही, बीमा कंपनियां नकली फर्जी यही। अरे क्या है, कोई अच्छी चीज एक आध कैमरे लगे हैं बंद पड़े, पता नहीं वो भी असली है कि नकली है, ये भी देखने वाली बात। पुलिस के पास एक और काम भी हो सकता है, ये किसने लगाया, क्यों लगाया। एक ठोक चांदी की अगर पायल पकड़ा जाएगी चोरी की, तो 100 ठोक सुनार को बुला लेते हैं थाने में, नहीं चोरी हुई है और चोर ने बताया है कि माल वहां बेचा हूं। अरे तो एक पायल अगर बिकी है तो एक ही जगह बेचेगा, 2 लोग को बुलाओगे 3 लोग को बुलाओगे, नहीं 100 को, सबको, आपका भी नाम ले रहा, आपका नहीं साहब हम तो नहीं करते, तो चोर का झूठ बोल रहा है। यानी चोर सच बोलता है पुलिस की नजर में, जब वो सराफा जैसे इलाके का मामला आता है, ये हाल है। और हत्या हो रही जय समझाओ, पता नहीं कब जाकर होश आएगा पुलिस को, और पता नहीं कब जाकर पुलिस जागेगी, और पता नहीं कब जाकर पुलिस अपने अस्तित्व को कायम रखेगी, पता नहीं कब जाकर पुलिस अपने जो अपराधियों के ऊपर जो हावी होती है, अपराधियों पर जो पुलिस का आतंक होता है उसको बनाएगी, तब तक देर ना हो जाए सरकार। जयस्तंभ चौक पर हत्या, शहर राजधानी है, अच्छा नहीं लगता, कलंक लगता है। अगर सोचते समझते हैं आप तो, नहीं तो फिर गेंडे को क्या फर्क पड़ना है। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।